मैं भैया 4 महीने के लिए लंदन रोड ट्रिप पे क्या गया, सोनी ने पीछे से प्लेस्टेशन 5 स्लिम ही अनाउंस कर दी। मैं वीडियो बना नहीं पाया टाइम पे, बट कोई नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए, आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे। हालांकि ये मेरे हाथ में तो प्लेस्टेशन 5 पुराने वाला है, स्लिम नहीं है, क्योंकि इंडिया में स्लिम आया ही नहीं है भैया। हमेशा की तरह हमें सोनी ने कुछ नहीं समझा, बाहर दूसरे देशों में कंसोल बिक रहे हैं मस्त धड़ाके से, इंडिया में कोई पता ही नहीं है कब आएगा कब नहीं। खैर आए कभी भी भाई, बट आप में से काफी लोगों को प्लेस्टेशन 5 स्लिम से रिलेटेड काफी सारे डाउट थे, तो मैंने कहा एक चलो वीडियो बना दी प्रॉपर की भैया वेट करना चाहिए स्लिम का या नहीं करना चाहिए, और एक्चुअल में ऐसा क्या एडवांस चीजें कर दी है उसमें सोनी ने जो वो लॉन्च कर रहे हैं जोरों शोरों से। सबसे पहले तो भाई एक चीज क्लियर कर दूं, जो प्लेस्टेशन 5 स्लिम आ रहा है ना, एक्चुअल में सोनी की तरफ से ऑफिशियली उसको प्लेस्टेशन 5 स्लिम बोला ही नहीं गया कभी भी। आप उनका यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वहां टाइटल में भी न्यू प्लेस्टेशन 5 लिखा है, ना कि प्लेस्टेशन 5 स्लिम। अब स्लिम लोग उसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हल्का हो गया, छोटा हो गया, थोड़ा सा मतलब पतला पतला कर दिया उसको, थोड़ा सा डाइटिंग करवा के। तो टेक्निकली देखा जाए वैसे तो स्लिम मॉडल ही है, बट नाम उसका स्लिम नहीं है, ठीक है जी। अब ना चेंजेस की बात करते हैं भाई, एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे PS5 पुराने वाला जो है और ये जो स्लिम वाला आ रहा है उसमें। सबसे पहले तो भाई बॉडी जो पूरी है ना, उसका वॉल्यूम 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। जी हाँ भाई, कंसोल जो है वो वेट वाइज भी मतलब हल्का हो गया है काफी ज्यादा, और साथ ही साथ में दिखने में जो बल्कि सा था ना वो भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है। तो ये मेजर चेंज है भाई बाहर बाहर की बॉडी का अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा जी जो स्टोरेज थी ना वो काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक वाली चीज थी प्लेस्टेशन 5 की, क्योंकि सिर्फ 825 GB की SSD मिलती थी जिसमें से यूजेबल ना और कम थी, और गेम में आपको पता ही है भाई आजकल के जमाने में 150-200 GB की आ रही है, तो 800 GB में तो 4 गेम भी ढंग से नहीं सेव हो पाती थी। इसलिए सोनी वालों ने क्या करा, ये जो नया प्लेस्टेशन 5 आ रहा है इसमें 825 GB की जगह 1 TB की SSD कर दी गई है। स्पीड वगैरह SSD की बिल्कुल डिट्टो वही सेम है, बट स्टोरेज बढ़ा दी गई है, जो इनको वैसे तो पहले ही कर देना चाहिए था उस वाले मॉडल में ही, क्योंकि भाई 825 का ये क्या हिसाब बनता है 1 TB दो। बट मेरे को लग रहा है इनकी भाई पहले से ही ना प्लानिंग थी कि अभी 825 GB देंगे, फिर जब अगला वेरिएंट निकालेंगे ना 2 साल बाद उसमें 1 TB कर देंगे और पैसा छापेंगे। देख रहे हो सोनी दिमाग लगाता है बड़ा। बाकी पुराने वाला जो PS5 था और ये वाला जो नया PS5 है, दोनों में ही आप SSD या स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो। अंदर आपको स्लॉट मिलता है जिससे आप थर्ड पार्टी WD वगैरह की SSD खरीद के लगा के एक्स्ट्रा स्टोरेज बना लो। इसके अलावा भाई कुछ चीजें कम भी कर दी गई है, जैसे जो लेटाते थे ना प्लेस्टेशन 5 को उसका एक स्टैंड मिलता था, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो ये नए वाले प्लेस्टेशन 5 में से भाई वो स्टैंड भी हटा दिया। सोनी वाले कह रहे हैं हम भी एप्पल की तरह बनेंगे, हर चीज अब डब्बे में नहीं देंगे, अलग से खरीदो पैसा खर्चो। तो पता नहीं भैया अब सोनी कहीं एक टाइम ऐसा ना आए कि कह दे कि सिर्फ अब हम डब्बा डब्बा बेचेंगे, कंसोल आप अलग से खरीदो। मजाक कर रहा हूं, इतना भी नहीं होगा। अच्छा सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है ना भाई वो है कि जो प्लेस्टेशन 5 में डिस्क वाली ड्राइव आती है ना वो भाई रिमूवेबल कर दिया इन्होंने। मतलब अगर आप डिजिटल एडिशन लोगे तो उसमें आपको डिस्क ड्राइव वैसे भी नहीं मिलती। डिजिटल एडिशन का मतलब है कि आप गेम्स को प्लेस्टेशन स्टोर से खरीदो और डाउनलोड करो, आप डिस्क नहीं लगा सकते थे उसमें। और जो फिजिकल डिस्क वाला है उसमें आपको क्या है, एक डिस्क ड्राइव मिलती थी ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई, उसमें आप डिस्क भी लगा सकते हो और प्लेस्टेशन स्टोर से खरीद के भी डाउनलोड कर सकते हो। बट नए वाले प्लेस्टेशन 5 में क्या किया इन्होंने, जो वो डिस्क ड्राइव थी ना भाई वो ऐसे ना रिमूव करने वाली बना दी, कि अगर कोई बंदा भाई डिजिटल वाला एडिशन खरीदता है और कल को उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो बाहर से अलग से भी खरीद सकता है डिस्क ड्राइव सोनी की, और अपने डिजिटल वाले में उसको जोड़ के उसको फिजिकल वाला बना सकता है। देख रहे हो मतलब डिजिटल फिजिकल ऐसे मिक्स हो रहा है सब कुछ। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है, इनको पुराने वाले प्लेस्टेशन 5 में भी ऐसा ही करना चाहिए था कि अगर कोई डिजिटल खरीद रहा है और बाद में उसके बाद पैसे आ जाते हैं तो वो डिस्क ड्राइव खरीद के दोनों का मिलन करवा के मस्त मजे ले। इसके अलावा भाई एक्सटीरियर में मैट के जो पैनल आते थे ना व्हाइट कलर के, वो चेंज करके अब ग्लोसी व्हाइट कर दिए गए हैं। हालांकि मुझे मैट कलर ज्यादा पसंद है, बट कुछ लोगों को ग्लोसी पसंद होता है, तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको मैट पसंद है तो PS5 पुराने वाला लो, अगर मतलब ग्लोसी पसंद है तो स्लिम लो। इसके अलावा मुझे जो लगता है PS5 स्लिम ना भाई मोर रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू PS5 फैट वाला, क्योंकि PS5 फैट था ना भाई काफी कंसोल्स में दिक्कतें आ रही थी। जैसे मेरा वाला भी जो कंसोल था उसका HDMI स्लॉट ना 1.5 साल के अंदर अंदर खराब हो गया था, मुझे चेंज करवाना पड़ा। तो अब जो स्लिम वाला वेरिएंट आएगा उसके इंटरनल कंपोनेंट जो है वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जल्दी से ना खराब नहीं होगा। बाकी भाई प्राइस की बात करें तो काफी देशों में कंसोल लॉन्च हो चुका है US जापान में। USA में प्राइस इसका वही $499 आया, बट कुछ देशों में पुराने वाले PS5 से थोड़ा ज्यादा भी है जैसे कि जापान में। बाकी इंडिया की बात करें तो भाई अभी इंडिया में जो PS5 पुराने वाला था उसका MRP काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, पहले जो 50,000 का था उसका 55,000 MRP कर दिया था। तो मेरे हिसाब से जो PS5 स्लिम आएगा ना वो लगभग 60,000 रुपए के आसपास MRP आएगा। हालांकि जो पुराने वाला PS5 है वो इस टाइम पे काफी तगड़ी डील में मिल रहा है, मतलब उस पे इतने अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, गेम्स के कॉम्बोज भी आ रहे हैं, कंट्रोलर भी डबल वाला बहुत सस्ता मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, समुराई कॉर्नर गया था, सारे प्राइसेस बताए थे, आपको लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पे भी देख लेना, वहां पे वीडियो मिल जाएगी। तो इस टाइम पे जो नॉर्मल सिंगल कंट्रोलर वाला PlayStation 5 है वो 42,000 या 43,000 रुपीज का मिल
मिल जाता है आपको, हालांकि उसका एमआरपी 55 के आसपास है, बट जो नया PS5 स्लिम आएगा ना उसका एमआरपी जितने का होगा भाई उतने में ही बिकेगा, कम वम डिस्काउंट तो छोड़ो, उल्टा ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है। तो ये तो थी भैया चेंजेस क्या क्या आए हैं प्लेस्टेशन 5 स्लिम में। अब बात करते हैं कि क्या मैं ये कंसोल को खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा जब ये इंडिया में आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है जी हाँ भाई, मैं खरीदूंगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट के लिए, मतलब मुझे देखना है, अनबॉक्सिंग करनी है, आप लोगों को भी दिखाना है, मैं इसलिए खरीदूंगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्लेस्टेशन 5 है फैट वाला, तो मेरे हिसाब से भाई आपको स्लिम में अपग्रेड नहीं करना चाहिए। उसके रीजन बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज तो भाई इंटरनली जो हार्डवेयर यूज हुआ ना वो पावरफुल नहीं है, सेम टू सेम ही है, यानी कि कुछ भी अपग्रेड वैसे नहीं किया गया कि सीपीयू या जीपीयू अपग्रेड कर दिया हो जैसे कि PS4 प्रो और स्लिम में था। इंटरनल हार्डवेयर सेम है तो आपको गेम प्ले में ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा या फिर FPS में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। सेकंड चीज भाई प्राइस को लेके, जैसे कि मैंने कहा इंडिया में प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग भी चलेगी, तो हो सकता है जो 60,000 MRP वाला कंसोल है वो आपको 65 या 70,000 रुपीस का मिले शॉप्स पे, और Amazon वगैरह पे तो भैया स्टॉक आउट ही हो जाता था जैसे ही आता था, तो इसके भी वही हाल होंगे मुझे जो लग रहा है। सेकंड चीज इन्होंने जो स्टोरेज बढ़ाई है वो मुझे लगता है भाई कुछ फालतू ही है, मतलब क्यों ही बढ़ाई भाई, मतलब 825 से 1 TB करके क्या ही उखाड़ लिया तुमने इतना, 175 GB बढ़ा के। 175 GB में तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी एक ही गेम एक्स्ट्रा आएगी, एक गेम के लिए कोई कंसोल थोड़ी खरीदेगा नया, उससे अच्छा तो एक अलग से ही SSD खरीद के अपग्रेड ही कर लो पुराना कंसोल में। अगर ये इस वाले में 2 TB देते ना तब तो समझ भी आता, चलो हाँ कुछ तो अपग्रेड हुआ है, बट 825 से 1 TB मजाक चल रहे हैं। इसके अलावा जो रिमूवेबल ड्राइव का ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से भाई पता नहीं मुझे यूजफुल नहीं लग रहा जिनको डिस्क वाला वेरियंट खरीदना है, क्योंकि ये सोनी के कॉम्पोनेंट भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इतनी जल्दी से खराब नहीं होते, ऊपर से एक साल तो वारंटी वैसे ही देता है सोनी। तो अगर आप डिस्क वाला ले रहे हो तो भैया आपका वैसे भी खराब नहीं होना था वो, तो उसको निकाल के चेंज कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ जो लोग डिजिटल ले रहे हैं ना उनके लिए फायदेमंद है कि वो कल को जाके जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो वो मिलन करवा सकते हैं दोनों का। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी क्यों आपको एज ए यूजर नहीं खरीदना चाहिए, बट कुछ लोगों के दिमाग में डाउट है कि अब भी हमारे पास ना सिर्फ एक प्लेस्टेशन 4 है तो हम उसको बेच के एक PS5 लेने का सोच रहे हैं, तो क्या हम PS5 ओल्ड वाला खरीद ले या फिर PS5 स्लिम के लिए वेट करें। अब उनके लिए जवाब ये है कि भाई मुझे नहीं पता इंडिया में कब आएगा, क्योंकि इंडिया को पता नहीं प्लेस्टेशन वगैरह ये सोनी वगैरह कुछ समझते हैं नहीं समझते, बाहर सब चीजें लॉन्च हो जाती है, इंडिया में 5-5, 6-6 महीने बाद लाते हैं, तो हो सकता है अभी नवंबर चल रहा है, इंडिया में आए अगले फरवरी मार्च अप्रैल मई कब आएगा कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, बट वेट नहीं करना तो मेरे हिसाब से अभी आप पुराने वाला PS5 ले लो, बहुत अच्छी अच्छी डील चल रही है भाई, 42,000 रुपए में आपको PS5 मिल रहा है जो कभी एक जमाने में 90,000 का खरीदा था लोगों ने ब्लैक में, इंक्लूडिंग मी। दिल में दर्द होता है भाई ये चीज ना ऐसे देख के अभी कि जितने में 2 कंसोल आ जाते उतने में मैंने 1 खरीदा था। खैर उस टाइम की बात ही अलग थी भाई, इंडिया में कंसोल था नहीं, मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया था तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगा जिनके पास PS4 है ना वो PS4 बेच के एक PS5 सेकंड हैंड खरीद लो भाई, क्योंकि आपको ना 30,000 से 35,000 के बीच में मिल जाएगा डिस्क वाला, और वो भी वारंटी में मिल सकता है 3-4 महीने, अभी समुराई कॉर्नर पे भी आया था 35,000 रुपए में, तो आप अभी के लिए वो खरीद लो, फिर 6-7 महीने बाद जब स्लिम वाला आए तो मर्जी है आपकी, इसको बेच देना, ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, 5-6 हज़ार रुपए का लॉस होएगा और नया अपना स्लिम वाला खरीद लेना। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा भैया जिनके पास भी PS5 फैट वाला है ना वो मत करो अपग्रेड, PS5 प्रो के लिए वेट करो, अब वो कभी भी आए 2024 के एंड में या 2025 के एंड में, बट प्रो में जो भाई हार्डवेयर चेंजेस होंगे ना उससे गेम प्ले वगैरह और FPS वगैरह भी इंक्रीज होंगे तो वो वर्थ इट रहेगा अपग्रेड करना। बट हाँ ये याद रखना भाई उसका प्राइस भी ऊपर आएगा, अगर ये 60,000 में लॉन्च हुआ तो वो अराउंड 70,000 से 75,000 या इवन 80,000 में भी लॉन्च हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। मैं तो PS5 प्रो जरूर लूंगा आंख बंद करके अभी से बोल रहा हूँ भाई, जितना मर्जी महंगा आए आप भी फिर उस हिसाब से पैसों के हिसाब अपना जेब वेब में देखना और खरीद लेना। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगे नहीं लोगे वेट करोगे जो भी है आपका मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने अपनी राय तो बता दी बट आपकी भी तो राय सुननी है ना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय 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 बाय।